How are you? I hope that you all have been taking care about your health as well as studies. आज इस छोटे से वीडियो में सिर्फ एक छोटी सी चीज सीखेंगे, जो चीज छोटी लग रही है लेकिन है बहुत बड़ी, वो है चेंज ऑफ प्रोनाउन नरेशन में। मैंने देखा है अपने सारे एक्सपीरियंस में, हम बाकी चेंजेस कर लेते हैं लेकिन प्रोनाउन चेंज नहीं कर पाते, तो सिर्फ इस वीडियो में प्रोनाउन चेंज करेंगे। बाकी रूल्स आपके पढ़े हुए हैं, वीडियोस पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आज सिर्फ प्रोनाउन की बात करेंगे। तो मैंने पहले से लिख दिया फर्स्ट पर्सन, इन्हें पर्सन में चेंज कर लें, आई है, सेकंड पर्सन यू है, थर्ड पर्सन ही शी इट है, इनका प्लुरल यानी कि बहुवचन, आई का प्लुरल है वी, यू सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है, और ही शी इट का प्लुरल यानी कि बहुवचन है दे। और मोटा मोटा समझ लेंगे, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज कभी नहीं होता। ठीक है, शुरू करते हैं बहुत कम एग्जाम्पल्स से, आज इस ट्रिक को सीख लें। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, और सब्सक्राइब आपने कर लिया वरना आज ही करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेंगे, राम सेज आई एम ए टीचर। ये पहला स्टेप है साहब, इसमें राम कौन है, राम के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है यानी कि जो स्पीच है उसी के प्रोनाउन चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग क्लास के प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते। हालांकि यहाँ पर राम है, राम की जगह पर ही भी होता तो भी चेंज नहीं होता, राम की जगह पर आई होता, आई से तो भी चेंज नहीं होता, चेंज होगा हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में। तो आई के नीचे लिखेंगे वन यानी कि फर्स्ट पर्सन, इसे काय से चेंज करेंगे, राम से, तो जहाँ पर राम लिखा है वहाँ पर क्या आना चाहिए, वहाँ आ जाएगा ही। ठीक है, बाकी के लिए हमारे पास अलग रूल्स हैं, हम कर लेंगे, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ही इज अ टीचर फुल स्टॉप, राम राम आ गया, सेज आ गया, यहाँ पर दैट आ गया होगा। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, वो है राम सेज टू सीता यू आर सो स्वीट। आई इसमें क्या चेंज आया, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन के बारे में, दूसरा एग्जाम्पल सेकंड पर्सन के बारे में, यहां पर हमने टू लिखा, अब सेकंड पर्सन आया तो हम यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट पहले से मौजूद था, हमने लिखा यू को बदलेंगे ओ से, तो यू को बदलेंगे ओ से यानी कि सीता से, तो सीता की जगह पर आ गया शी। बाकी सेम है, सेज टू का टेल्स कर लिया होगा, राम का राम, सीता का सीता, दैट शी के साथ इज आ जाएगा, इतना गलती कभी ना करें, यू यहाँ के साथ आ रहता है लेकिन शी के साथ हमेशा इज आएगा क्योंकि वो सिंगल है, बाकी सेम यहाँ उतार लिए। तो इस तरह दोनों हमने पर्सन सीख लिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आइए एक एग्जांपल में दोनों एक साथ रखते हैं, तो क्या होगा, अब हम लिखेंगे राम सेज टू सीता, अब एग्जाम्पल आए आई लाइक यू, मैंने सोचा लाइक से ही अच्छा है शुरुआत में, है ना, तो मैं लाइक से ही एग्जाम्पल दिया, अच्छा लगेगा आपको। तो राम के नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट, सीता के नीचे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आई फर्स्ट पर्सन है ना, और यू सेकंड पर्सन है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, आई को सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि यहाँ हो गया ही, और यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो गया हर। यहाँ भी कई बार डाउट आ सकता है, यू जो कि लास्ट में आया है यानी कि ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है तो हर हो गया, यू अगर पहले होता तो यहाँ हर की जगह पे शी होता, और आई लास्ट में होता यानी कि मी तौर पर होता तो यहाँ पर मी बन के आ जाता। ठीक, तो अब हम राम टेल्स सीता दैट बाकी चेंज कर लिया, आई की जगह पर ही, और चूंकि सेज है इसलिए यहाँ पर लाइक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने तीन एग्जाम्पल सीखे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और दोनों एक साथ। अब हम यहाँ पर एक चेंज और करेंगे, अभी हमने यहाँ पर हमने नाउन्स का यूज़ करा, अब हम यहाँ पर दो या तीन एग्जाम्पल देंगे सिर्फ, प्लीज उसे समझ लीजिएगा कि यहाँ भी प्रोनाउन हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वैसी शुरुआत करेंगे जो हमने पहले किया था, अब हम लिखेंगे आई से आई रीड, ध्यान दीजिए
यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने वन नहीं लिखा। ये जो वन टू का खेल है ये हमेशा हम रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बीच में है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं करेंगे। लेकिन जो कितना आसान हो गया, वन को वन से चेंज किया तो क्या हो गया, आई से दैट आई रीड, कोई चेंज नहीं हुआ ना, कितना मजेदार लगा होगा। अब यहां पर अगला एग्जांपल लिखेंगे, आई से टू यू, अब हमने लिखा आई सॉरी यू रीड। आसान लग रहा हो, प्लीज समझ लीजिएगा इसे, अभी थोड़ा सा टिपिकल आने वाला है। आई टेल यू दैट, यू को यू से चेंज किया, कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज कब होगा, जब हम यहां पर इस आई को चेंज करके लिखेंगे यू से। अब एग्जांपल लिखा आई रीड, यहां पर मैजिक क्रिएट होने वाला है। क्या, आई है फर्स्ट पर्सन और ये है सब्जेक्ट, चेंज हुआ। अब आई की जगह पर आ जाएगा यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब एक एग्जांपल और, यू से टू मी आई लाइक यू, आई फर्स्ट है यू सेकेंड है, तो फर्स्ट को आई से और यू को यू से, तो यहां क्या होगा, यू टेल मी दैट यू लाइक मी। तो इस तरह से आपने देखा किस तरीके से हम पर्संस को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज के। रिपोर्टेड स्पीच के पर्संस हमेशा चेंज होंगे रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। लास्ट एक एग्जांपल, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होते। यहाँ पर लिखेंगे यू से टू मी, और हमने कोई एग्जांपल लिखा दे आर देयर, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसे उतार देंगे। यू टेल मी दैट, ये दे नहीं चेंज होगा और इसके बाद सारा ऐसे उतर आएगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने छोटी सी कोशिश की कि आप केवल यहाँ पर इस वीडियो में प्रोनाउन चेंज करना सीखें। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब कब करेंगे, दिस इज़ द राइट टाइम, जाइए और इस बेल